हेलो गाइस इस सेशन में हम समझने वाले हैं कि रेस्ट आर्किटेक्चर क्या होता है और इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि रेस्ट आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं रेस्ट सिस्टम डिजाइन किस तरह से किया जाता है सो so, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेस्ट ये बना कैसे सो आर ई एस टी मीन्स रिप्रेजेंटेशन आर ई डिनोट फॉर रिप्रेजेंटेशनल एस डिनोट्स फॉर स्टेट एंड टी डिनोट्स फॉर ट्रांसफर सो ये बनता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर स्टेट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और वेब डेवलपमेंट में डेटा और ट्रांसफर मतलब डेटा को ट्रांसफर करना और डेटा के रिप्रेजेंटेशन को ट्रांसफर करना यह बताता है कि डेटा के रिप्रेजेंटेशन को क्लाइंट से सर्वर पर ट्रांसफर करना या सर्वर से क्लाइंट पर ट्रांसफर करना या सर्वर से सर्वर पर ट्रांसफर करना सो so, इस जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है रेस्ट ने क्या दिया आर्किटेक्चरल स्टाइल दिया जिससे कि हम सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सके और एक कॉमन पैटर्न हो सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टू अंडरस्टैंड हाउ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है आपकी क्लाइंट्स होते हैं जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया मोबाइल हो गया और आपका कंप्यूटर हो गया ये आपके क्लाइंट है जिसमें ब्राउजर होते हैं सो so, या तो आप रिक्वेस्ट ब्राउजर से करते हैं या मोबाइल से करते हैं सो so, आप जैसे रिक्वेस्ट करते हैं सो so, ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है और सर्वर जो एक डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं जो ट्वेंटी फोर इंटू सेवन चलते हैं एक डेडिकेटेड प्लेस पर रखे होते हैं वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए डेटाबेस कॉल करते हैं डेटाबेस से रिस्पांस आता है और डेटाबेस से रिस्पांस आने के बाद जिसने रिक्वेस्ट किया था उसी को रिस्पॉन्स दे दिया जाता है और ये जो कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट से सर्वर के बीच में और सर्वर से क्लाइंट के बीच में ये होता है एच टी टी पी बेस्ड एच टी टी पी कम्युनिकेशन होता है सो एच टी टी पी एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत हम हमारा क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट करता है सो so, यही एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जिसमें क्लाइंट कोड एंड सर्वर कोड डिफरेंट प्लेसेस पर होता है सो so, रेस्ट जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसे एक पीएचडी स्टूडेंट थे जिनका नाम रॉय फील्डिंग था इन्होंने 2000 में एक थीसिस को लिखा और वर्ल्ड के सामने थीसिस को रखा कि ये रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल पैटर्न है इसके यदि ये पैटर्न को फॉलो किया जाएगा तो हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो इजी तरीके से होगी सो पहले क्या होता था कि हमें क्लाइंट से सर्वर में और सर्वर से क्लाइंट में कम्युनिकेट करने में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती थी जो पहले सोप आर्किटेक्चर का यूज किया जाता था लेकिन उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी थी उसमें स्टेप्स ज्यादा थे तो रेस्ट जो रॉय फील्डिंग थे एक पीएचडी स्टूडेंट उन्होंने थीसिस सबमिट की और वर्ल्ड को बताया कि एक सिंपल आर्किटेक्चर है जिसके जिसकी हेल्प से मतलब हम वेरी इजीली क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशंस को बना सकते हैं और स्केल कर सकते हैं और प्रॉपर और सिंपल कम्युनिकेट करा सकते हैं सो so, उनके उन्होंने जो थीसिस दिए थे उनकी थीसिस में से कुछ पॉइंट्स आई विल रिप्रेजेंट ओवर हेर सो so, पहला पॉइंट उन्होंने बताया था कि सेपरेशन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर सो उन्होंने बोला था कि क्लाइंट का कोड और सर्वर का कोड सेपरेट होना चाहिए और यह सेपरेट डिप्लॉयड होना चाहिए सो so, क्लाइंट और सर्वर का कोड सेपरेट डिप्लॉय होने से फायदा यह है कि यदि आप क्लाइंट के कोड में कोई चेंज करते हो तो सर्वर को हमें कोई डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं होगी यदि सर्वर के कोड में डिप्लॉय करते हो या चेंजेस करते हो तो क्लाइंट क्या क्लाइंट विल रिमेन अनचेंज सो हमें किसी भी एक जगह पर चेंजेस करना है तो हम दूसरे पार्ट को छेड़ेंगे नहीं सो so, इससे क्या हमारा? होगा हमारा डेवलपमेंट इजी होगा डेवलपमेंट फास्ट होगा सो ये एक पहला पॉइंट था और स्टेटलेसनेस दूसरा पॉइंट स्टेटलेसनेस का मतलब है कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी वो एक इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट होंगी उसका प्रीवियस रिक्वेस्ट से या नेक्स्ट आने वाली रिक्वेस्ट से कोई लेना देना नहीं होगा पहले क्या होता था कि सर्वर पर सेशंस मेंटेन किए जाते थे हर रिक्वेस्ट हर यूजर के सो so, जितनी भी एक पर्टिकुलर यूजर के रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती थी तो सर्वर को पता होता था कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये पर्टिकुलर यूजर से आ रही है लेकिन अब यदि हम रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल फॉलो करते हैं तो ये स्टेट सर्वर जो होना चाहिए वो स्टेटलेस होना चाहिए मतलब सर्वर को ये पता कभी नहीं रहेगा कि जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है वो एक ही एक ही यूजर से आ रही है या अलग अलग यूजर से आ रही है तो हर एक रिक्वेस्ट जो होगी वो एक इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट होगी और कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर जो क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन होना चाहिए वो एक एच प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए ओके एंड कैशेबिलिटी ये उन्होंने एक और पॉइंट दिया कि कैशेबिलिटी मतलब आप जब भी क्लाइंट से सर्वर पर कॉल करें और डेटा को अपने पास रखें क्लाइंट तो क्लाइंट को अपने साइट पर कैश करना चाहिए डेटा को मतलब क्लाइंट को अपने साइट पर ही कैश कर लेना चाहिए ऐसा क्यों करना चाहिए क्योंकि यदि उसे नेक्स्ट टाइम पर सेम रिसोर्स की जरूरत पड़ी तो वो बिना क्लाइंट को हिट करे अपने कैश से डेटा को रीड कर सकता है और रिट्रीव करके प्रोसेस कर सकता है इससे क्या होगा कि सर्वर पर लोड कम पड़ेगा और जो सर्वर है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर को सर्व कर पाए सो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए थे इसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की है अब हम समझते हैं कि जो रेस्ट आर्किटेक्चर में हम रिक्वेस्ट जब जाती है हमारी उसके अंदर क्या क्या फॉर्मेट होते हैं एच तो टीटी kind of मतलब देखने के साथ ही हम कह सकते कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले जैसा गेट इसका मतलब है कि हम डेटा सर्वर से डेटा को लेने वाले या रिसोर्सेस को लेने वाले हेडर विच अलाउस क्लाइंट टू पास अलॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट सो हैडर को रिक्वेस्ट के साथ हम पास करते हैं उससे क्या होता है कि ये हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम रिक्वेस्ट के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को सर्वर को पास करें सो रिक्वेस्ट में हम दे सकते हैं कि हमारा डेटा का फॉर्मेट क्या होना चाहिए तो एक्सेप्ट पैरामीटर दे सकते हैं यदि हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन परफॉर्म करवाना ऑथराइजेशन हेडर पास कर सकते हैं और कोई सीक्रेट की कोई पास कर सकते हैं और पाथ मतलब पाथ जो है वो एक रिसोर्स को डिफाइन करना चाहिए यानी सपोज हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ए बना रहे हैं तो उसके अंदर जो पाथ होगा सपोज सपोज एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को हमें स्टोर करना है रिट्रीव करना है या अपडेट करना है तो हम उसका लिखेंगे पाथ प्रोडक्ट्स सो स्लैश प्रोडक्ट्स आएगा और वहां पर हम यदि हमें प्रोडक्ट को सेव करना है तो हम उसके अंदर एक मैसेज बॉडी भी दे सकते हैं ये मैसेज बॉडी जेसन फॉर्मेट में भी हो सकती है इसका एक रियल एग्जाम्पल देखिए जैसा कि आखिरी में आप देख सक सकते हैं स्लैश बिजनेस ये एक रिसोर्स नाम है और ये एक मेथड है पोस्ट और टू हंड्रेड okay एक सर्वर से रिस्पॉन्स आया देखिए ये कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन इस तरह से जब रेस्ट एपीआई कॉल करते हैं हम सर्वर पर तो और उसका जो रिस्पॉन्स आता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स उसको रियल टाइम में हम देख सकते हैं यहाँ पर अब एस टी टी वो एस टी टीपी वर्ब हमने बात करे थे कि एस टी टी पी वर्ब क्या होते हैं तो मेनली चार वर्ब होते हैं ये चार मेथड्स होती है गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट बट इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड्स होती है लेकिन वो बहुत कम यूज आती है ये जनरल पर्पस एवरीडे यूज आने वाली मेथड है जैसा आपने सुना होगा कि करड ऑपरेशन सो इट डिनोट्स द करड ऑपरेशन लाइक क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट सो इसके थ्रू हम रेस्ट ए को बना सकते हैं और इसके अलावा पैच एंड हैड ऑप्शन ऐसी बहुत सारी मेथड्स होती है लेकिन ये चार मेथड ज्यादातर यूज होती है तो गेट मतलब फेच स्पेसिफिक रिसोर्स बाई आई डी और कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज सो रिसोर्सेज उन उन चीजों का कहेंगे कि जो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि कस्टमर्स हो गया हमारा प्रोडक्ट्स हो गए सो so, ये एक एंटिटी है तो इनको हमें यदि कस्टमर प्रोडक्ट्स को फेच करना है आ, सर्वर से तो हम लिखेंगे स्लैश प्रोडक्ट्स और गेट सो so, ये एपीआई डिनोट करें कि हमें सर्वर से रिसोर्सेज को फेच करना है कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज को फेच करना है आईडी डी बाई आई से फेच करना है पोस्ट मतलब क्रिएट अ न्यू रिसोर्स यानी सर्वर पर एक नया रिसोर्स बनाना तो ये पोस्ट मेथड के थ्रू किया जाता है अपडेट ए स्पेसिफिक रिसोर्स यूजिंग पुट मेथड सो जब भी हमें अपडेट करना होता है किसी रिसोर्सेज को सर्वर पर तो पुट मेथड का यूज किया जाता है जब भी हमें किसी रिसोर्स को डिलीट करना होता है उसकी आई के जरिए से तो उसे डिलीट मैथड के थ्रू हम लिखते हैं अब हैडर्स एंड एक्सेप्ट पैरामीटर्स देखें जैसे रिक्वेस्ट जब पास होती है तो उसके अंदर हम हैडर भी पास करते हैं तो उसके एक्सेप्ट पैरामीटर में हमारे माइंड uh, टाइप के हिसाब से क्या क्या चीज होना चाहिए जैसे इमेज के लिए इमेज स्लेस पी एन ऑडियो के लिए ये होना चाहिए ऑडियो स्लेस वेव ऑडियो स्लेस एम वीडियो के लिए वीडियो स्लेस एम वीडियो

इस इस क्लाइंट को रिस्पॉन्स एस में चाहिए तो वो रिस्पॉन्स को कंटेंट टाइप एस टी एम एल आगे टी सो so, अब जो हमारे तीसरा मेन चीज होती है रेस्ट स्टाइल आर्किटेक्चर में कि पाथ सो हमारे जो पाथ होना चाहिए वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और पाथ है ना ऑलवेज प्लुरल होना चाहिए कि जैसा हमें uh, प्रोडक्ट्स के साथ काम करना है तो प्रोडक्ट्स लिखेंगे स्टूडेंट्स के लिए हमें रेस्ट बनाना so है तो हम स्लैश स्टूडेंट्स लिखेंगे पर ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यदि आपने इस एपी सर्वर को पहले कभी नहीं देखा होगा लेकिन आप देखने के साथ ही इसको आ, इसको डिस्क्राइब कर सकते कि ये सर्वर क्या कर, मतलब ये एपी क्या कर रही है गेट ऑल मतलब स्लैश स्टूडेंट्स देखिए गेट ऑल स्टूडेंट्स सो इस एपी के थ्रू हम ऑल स्टूडेंट का डेटा को लेना चाहते हैं इस तरह से पोस्ट मतलब इस एपीआई के थ्रू हम स्टूडेंट को क्रिएट करना चाहते हैं इस एपीआई के थ्रू हम नीचे वाली स्टूडेंट की स्पेसिफिक स्टूडेंट को गेट करना चाहते हैं इस पुट एपीआई के थ्रू क्या करना चाहते हैं हम कि स्टूडेंट को अपडेट करना चाहते हैं इससे डिलीट करना चाहते हैं तो ये इस तरह से हमारी इन्होंने एक दिया है अपने ओपिनियन की सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और ये प्लूरल होना चाहिए अब रिस्पॉन्स टाइप जो सर्वर जब रिक्वेस्ट लेता है देखिए एक्सेप्ट टैक्सलेस एस टी एम एल तो इसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स भी करता है तो उसने क्या किया कि इसने रिस्पॉन्स एच टी टी पी प्रोटोकॉल पर करा और कंटेंट टाइप इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि टैक्सलेस एस टी एम एल ये कंटेंट टाइप हमारे क्लाइंट पर जाता है और क्लाइंट इन इसको अंडरस्टैंड करता है कि इसको इस डेटा के साथ मुझे क्या करना है इस डेटा के साथ एस टी एम एल पार्सिंग करना है ये इस डेटा को मुझे एज ए जेसन प्रोसेस करना है तो ये कंटेंट टाइप पर ही डिपेंड करता है अब इसमें रेस्ट में स्टेटस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटस कोड 200 जो सीरीज होती है वो सक्सेस के रिप्रेजेंट करती है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर सक्सेसफुल रिक्वेस्ट जब भी हम कोई गेट ए होती है गेट ऑल ए उसके अंदर हम टू ओके रिस्पॉन्स को सेंड करते हैं टू मतलब जब भी हम सर्वर पर नया रिसोर्स को क्रिएट करते हैं और वो सक्सेसफुली रिसोर्स क्रिएट हो गया तो उस केस में हम 201 रिस्पांस स्टेटस कोड को रिस्पांस करेंगे 204 204 भी सक्सेस केस के लिए होता है जैसे कि हम जब भी कोई सर्वर पर हमने सपोज कोई हमें एक सर्वर से कोई डाटा को रिटर्न नहीं करना है तो उस केस में हम 204 रिस्पांस कोड को जनरेट करेंगे और उसमें कोई कंटेंट को नहीं भेजेंगे 400 सीरीज जो होती है वो क्लाइंट एरर को रिप्रेजेंट करती है 400 यानी बैड रिक्वेस्ट सपोज आपने कोई एपीआई के अंदर रिक्वेस्ट किया और वहाँ से आपको 400 हंड्रेड रिस्पॉन्स आ रहा है इसका मतलब ये है कि हम ए पी आई की जो पैरामीटर्स है उसको गलत तरीके से भेज रहे हैं उसमें उसमें या तो सिंटेक्स एरर हो सकती है या उसकी साइज़ कम ज़्यादा हो सकती है या कोई वैलिडेशन एरर हो सकती है तो 400 हंड्रेड ये डिनोट करता है सो तो और फोर जीरो मतलब हमको उस रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है ओके एंड फोर ओ फोर वो मतलब वो रिसोर्स सर्वर पर एग्जिस्ट नहीं करता है या वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है फाइव हंड्रेड मतलब सर्वर एरर सो जनरल एक एरर है फाइव हंड्रेड जिसे सर्वर uh, रिटर्न करता है लेकिन इसमें स्पेसिफिक भी होती है फाइव ओ वन फाइव ओ थ्री इस तरह की जो रिस्पॉन्स कोड होती है तो हमारी एस टी मैथड के साथ कौन कौन से रिस्पॉन्स कोड हमें भेजना चाहिए जैसे गेट के साथ हमें टू हंड्रेड ओके भेजना चाहिए पोस्ट जब भी हम करें यानी रिसोर्स को क्रिएट करें तो टू जीरो हमेशा हमें टू हंड्रेड को भेजना चाहिए डिलीट के टू फोर वन को भेजना चाहिए क्योंकि सर्वर से रिसोर्स डिलीट हो चुका है और हमें इसका कंटेंट कुछ रिस्पॉन्स में भेजना नहीं है अब हम देख सकते हैं कि वन बाय वन कुछ रेस्ट एपीआई के एग्जाम्पल्स को सपोज टू गेट ऑल द कस्टमर्स हम रिक्वेस्ट क्या बना सकते हैं पहले गेट क्योंकि हमें गेट करना है तो गेट इज एसटीटीपी मेथड एंड कस्टमर्स इज द यू आर आई एंड एक्सेप्ट वाट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली डिनोट कर रही है ये कस्टमर्स का डेटा को फेच करेगी ऑल कस्टमर डेटा को फेच करेंगे और रिस्पॉन्स में क्या आएगा स्टेटस को टू हंड्रेड एंड कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन एंड द डेटा ऑफ कस्टमर पोस्ट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट किस तरह से हम करेंगे उसका एग्जाम्पल है ये पोस्ट मेथड है और ये उसका यू है ये यू आर आई गेट का एंड पोस्ट का सेम है बट मेथड अलग है इसलिए इसलिए इसके अंदर हम क्या करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी को पास करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी में हम नेम एंड ईमेल पास कर रहे हैं जैसे ही ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है सर्वर इसके साथ एक यूनिक आईडी जनरेट करता है और डेटाबेस में स्टोर करता है एंड इस डेटाबेस में स्टोर करने के बाद कर रिस्पॉन्स जनरेट करके क्लाइंट को भेज देता है कि में कस्टमर आई डी सो बाई हेल्प ऑफ कस्टमर आई डी वे गेट हमें कस्टमर so की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अंदर भी हमें स्टेटस को टू हंड्रेड एंड टाइप एप्लीकेशन जेसन मतलब जो इसका डेटा रिस्पॉन्स में आएगा वो जेसन फॉर्मेट में रहेगा अब हमें जो हमने रिसोर्स क्रिएट किया था उस रिसोर्स को यदि हमें अपडेट करना है सो so उसे भी हम कस्टमर बाय आईडी से अपडेट कर सकते हैं और इसके अंदर जो बॉडी जाएगी रिक्वेस्ट बॉडी वो अपडेटेड अपडेट update होने वाली बॉडी जाएगी सो इसका रिस्पॉन्स जो होगा वो स्टेटस स्कोर टू होगा और ये अपडेट सर्वर पर हो जाएगा इन द सेम वे यदि हमने कोई रिसोर्स बनाया उसे डिलीट करना है सो so हमें डिलीट एस टी टी पी वर्ब का यूज करना पड़ेगा और कस्टमर्स यू आर आई है उसकी आई डी मतलब कस्टमर आई डी वन टू थ्री को डिलीट करिए जैसे ही ये सर्वर डिलीट कर देता है इस रिसोर्स को हमारे डेटाबेस से सो इसका रिस्पॉन्स कोड जो जनरेट करता है टू ओ वन नो कंटेंट रिटर्न सो दैट्स इट इन दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच